हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो है बहुत काम का है, क्योंकि अभी तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो अपना रूप जो है छत को हीट प्रूफ कैसे करना है, सीलिंग को हीट प्रूफ कैसे करना है, इसका एक तरीका मैं लेकर आया हूँ। तो ये 100% हीट प्रूफ हो जाएगा, ये 100% मेरा गारंटी है। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। जितना दिन जा रहा है दोस्तों, गर्मी तो बढ़ता जा रहा है, तो मैं जो सॉल्यूशन लाया हूँ ये परमानेंट सॉल्यूशन है, मैंने किया है और ये 100% काम कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो वीडियो है अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सारा इंडिया में ये फैल जाए। ये बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के मतलब एक आइडिया है। तो देखिए मैंने क्या किया है, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कैसे ये किया जाता है। एक मिनट रुकिए। दोस्तों देख रहे हैं, ये मेरा सीलिंग है, ठीक है, ये सीलिंग है। इसमें ये टी है, उधर एंगल है, ये थर्मोकूल है, ठीक है। तो थर्मोकूल को, जो थर्मोकूल होता है, ये 2 इंच वाला जो थर्मोकूल है वो लगाया हुआ है, और इसको काट के मैंने लाइट एलईडी लाइट लगाया है, ताकि देखने को अच्छा देखने को लगे। और मैंने अभी किया है, तो अभी इसमें पेपर लगाया नहीं, वीडियो बनाएंगे तो बाद में पेपर लगा देंगे। ये अभी 16 है, देखिए, ठीक है, ये टी है, ये ऐसा मूवमेंट करता है इधर, तो इसे बड़ा आसानी से किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका है। तरीका मैं दिखाऊंगा कैसे, और 100% ये आपका हीट प्रूफ हो जाएगा, एकदम 100% हीट प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लगेगा ये थर्मोकूल, जिसका थिकनेस 1.5 से 2 इंच होगा, 2 इंच लेने से अच्छा होगा। और आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा एल्युमिनियम का एंगल जो होता है ना, एल्युमिनियम का एंगल लगेगा। ये मैं एक पिचबोर्ड से डायग्राम बना के रखा है, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। पकड़ लीजिए, ये एक वॉल है, आपको क्या करना है, इस रूप का ये एक साइड का वॉल है, तो ये ऐसे चारों तरफ ये ऐसे दे देना है, एंगल लगा देना है। पहले ये एंगल को चारों तरफ से लगाना है, इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रू देकर टाइट कीजिए। कोई भी मिस्त्री बुलाने का जरूरत नहीं है, अपने आप घर में ही हो जाएगा। मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। और आपको लगेगा टी, ये एल्युमिनियम का एंगल है और ये टी है। टी को क्या करना है, आपको ऐसे खुला छोड़ देना है, किसी भी टाइट फाइट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऐसे खुला छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे एक फॉल सीलिंग जैसा बन जाएगा। और
ठीक साइज कट के काट के टी को ऐसे बैठा रहा है। हो जाएगा कंप्लीट। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, 16 जो है ना, जो मतलब थर्मोकूल, थर्मोकूल को ऐसे रख देना है, ऐसे करके रख देना है। बस रखने से हो जाएगा। अगर आपका आपको लाइट वगैरह लगाना है तो आप ऐसे काट भी सकते हैं, लाइट लग जाएगा। पूरा ढक दीजिएगा। अगर सीलिंग बहुत बड़ा है तो आपको क्या करना है, सीलिंग छोटा है मतलब 8 फीट बाई 10 फीट, 8 फीट बाई 8 फीट ऐसा हुआ, तो ये ऐसे करने से काम चल जाएगा। क्योंकि ये जो है थर्मोकोल बहुत हल्का होता है, कुछ नहीं होगा, ये सीलिंग दबेगा नहीं। अगर बहुत बड़ा सीलिंग है, कोई हॉल में करना चाहते हैं, तो ये जो टी है, ये लंबा वाला टी को आप इधर एक ड्रिल कर लीजिए, इधर एक ड्रिल कर लीजिए, और तांबा का जो तार होता है ना, लोहे का तार यूज मत कीजिएगा, तांबा का तार से बांध दीजिए इधर इधर बांध के, सीलिंग में एक ड्रिल करके स्क्रू लगा दीजिए ऊपर, इधर एक स्क्रू लगा के तार से बांध दीजिए, ठीक है। इधर बांध दिया तो बस। और तांबा का तार क्यों लगाना है, वो मेंटेनेंस फ्री है। लोहे का तार होगा तो वो जंग आ सकता है, लेकिन ब्रास या तांबा का तार ही लगाना है। और ये जो थर्मोकूल है वो 2 इंच मोटा होगा तो ये पूरा हीट प्रूफ होगा। प्लीज वेट कीजिए। तो दोस्तों ऐसा बहुत ही आसान है, तरीका बहुत ही आसान है, एकदम मतलब हीट प्रूफ हो जाएगा। अगर आपके पास एसी है लेकिन एकदम टॉप फ्लोर में रहते हैं, एसी भी बहुत ज्यादा करंट खाएगा। गर्मी का सीजन है तो आपको रूफ को अगर आप ऐसा कर लीजिएगा तो देखिए देखिएगा कि बहुत ठंडा हो जाएगा। मैं एक पंखा चला लेता हूँ तो बहुत ठंडा हो जाता है। अभी पंखा नहीं चल रहा है, अभी मैं एसी लगाऊंगा, लेकिन ऊपर छत है तो गर्म ज़्यादा होगा तो एसी में करंट भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने ये रूफ किया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। ये एक यूनिक आइडिया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ये काम कर सके। और ये जो एल्युमिनियम का जो एंगल और टी होता है वो 12 फुट का आता है, और 12 फुट का आपको एक पीस का मिले लगेगा 130 करके हो जाएगा, बहुत ही कम खर्चा में हो जाएगा। आप अगर फॉल सीलिंग वालों को बुलाएंगे तो फॉल सीलिंग वाला जो रेट देगा उसके ठीक 10% और यहाँ 15% में आपका हो जाएगा। आप अकेला ही ये काम कर सकते हैं, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, बहुत कम खर्चा में हो जाएगा। मैंने तो ये किया है, बहुत ही कम खर्चा, 16 ये जो थर्मोकोल है, थर्मोकोल से किया है, पूरा रूफ को पूरा हीट प्रूफ कर दिया। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।